हमारी मम्मी है और 2 दिन पहले ही इस गाड़ी को हम लोग लेके आए थे एजेंसी से। जब भी हमारे यहाँ कोई नई चीज़ का आगमन होता है तो पहले हमारे मम्मी द्वारा ही कहीं ना कहीं इसकी पूजा की जाती है। क्या मम्मी, क्या बन रहा है? ओम की स्वस्तिक, पहले घी से स्वस्तिक बनाया जा रहा है। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे ही ये पूजा की प्रक्रिया समाप्त होगी, इसके बाद हम दूसरे जगह पहुँचेंगे काम के लिए। वैसे तो आप लोग को मालूम ही होगा कि हम वीडियो शूट के लिए बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं, या तो मेला मंडी या तो फिर किसी किसान के घर दरवाजे। देखिए मम्मी स्वास्तिक बना दी हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। लगता है पूरी गाड़ी ही स्वास्तिक से भर जाएगी क्या। मम्मी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा रास्ता समय सब बढ़िया से बीते। आइए इधर, आओ इधर। मम्मी को बैठा दिए हैं। मम्मी कैसा लगा था? कैसा लगा था? ठीक लगा था? कैसा निक बा? हम लोग की मुख्य भाषा भोजपुरी है, तो कहीं ना कहीं मम्मी का कहना है कि ठीक है ना। का मम्मी राजा महाराजा का गाड़ी में न बैठे बने। माता का कहना है कि राजा महाराजा की गाड़ी में हम बैठे हैं। ले चल बच्चा तन की किन तो कहाँ ले चले? कोनिया ले ले चल, फिर चलिए बोलिए। अच्छा, करके घूम ले। चलिए घूम लीजिए। अब मम्मी पूजा उजा किए हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी थोड़ा बहुत बन रहा है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा दे। मम्मी को थोड़ा सा हम घुमाने के लिए इधर लेके आए हैं। देखो मम्मी, हाय देखा ये का है? सन भैंसिया। भैंस है, भैंस को पानी काफी पसंद होता है और कीचड़। चले ना अब वापिस। चलो पूजा भइल, बैठ के गाड़ी में कतना घूम ले। भैंस और गाय के लिए चारा काटा जा रहा है। आप लोग को मालूम ही होगा कि इस समय जगह जगह पे हरी चरी मिल रही है और उसी को मवेशियों के लिए इस पावर टिलर की मदद से काटा जा रहा है। ए! हमें वीडियो शूट पे भी निकलना है और समय हो रहा है करीब 1:30 बज गए हैं दोपहर का। ₹30 खीरा रे भाई।
अभी अभी बाजार में गए थे और वहाँ से देखिए बहुत सारे खीरा लेके आए, और ये खीरा बंदरों को खिलाया जाएगा जो रोड के किनारे भूखे रहते हैं। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं हमारी बछड़ी खाएंगी, इसके बाद ही ये खीरा बंदरों तक पहुँचेगा, है ना। उन्हीं खुशी में कहीं ना कहीं इन्हें भी शामिल करना ज़रूरी है। ये लीजिए, आप खा लीजिए आराम से। ओए रुकिए, आप भी खा लीजिए। अरे होए होए होए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक एक पकड़िए, छोटा टुकड़ा देना पड़ेगा। इलो इलो, इस बछिया की खासियत यह है कि जब भी हम कहीं से भी आते हैं इस ट्यूबवेल वाला जगह पे जहाँ से अपने खेतों की सिंचाई होती है, इस जगह पे ही बछिया रहती है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो इसकी नज़र हमारे ऊपर जैसे ही पड़ती है तो ये पूरी उत्सुकता से हमारे तरफ देखती है। जब तक हम यहाँ से न चले जाएं तब तक ये हमें जिधर जिधर हम जाएंगे उधर उधर ये देखती रहती है। आओ ऐ, आ जाइए, आओ आओ। ये सब जितने आप लोग बंदर देख रहे हैं, ये देखिए, एक बार हम लोग अभी एक दिन पहले इसी रास्ते से गुजर रहे थे सुबह सुबह, तो हम लोग देखे कि जैसे ही हम लोग गाड़ी यहाँ पे लगाए तो ये सब के सब बंदर बहुत उत्सुक नज़र से इधर देखने लगे। तो थोड़े से जब हम लोग ठहरे तो मालूम चला कि ये सब के सब बंदर भूखे हैं, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं बंदरों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया जाए। उस दिन दुकानें नहीं खुली थी और उस समय समय का भी अभाव था, इसी वजह से आज हम लोग इन बंदरों के लिए, आप लोग देखे ही होंगे, खीरा लेके आए हैं। इसको निकालिए निकालिए सब, और उचित जगह पर रख दीजिए, वहाँ पे सब के सब खा लेंगे। हमारे भाई राजू हैं और सब एक जगह पे उचित रखिए, यहीं पे रुकिए, उचित जगह पे इसको आप रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, ये सही जगह है और सब बंदर यहाँ पे आके खाएंगे। आ जाओ आ जाओ, लो लो आ जाओ, सब इस तरह छीट दीजिए यहीं पे फर्श पे। आ जाओ आइए, देखिए सब भूखे हैं, सब भूखे हैं। ये लीजिए, नहीं नहीं वो मोटा वाला जो बंदर है ना, ये 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 बहुत कुछ अलग है। उस दिन भी हम लोग आए थे तो आप देखे होंगे, ये बहुत खराब बंदर है। दूर दूर डालिए, उसके वजह से ही और बंदर नहीं जा रहे हैं। इन्हें देना जरूरी है, इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या लो 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 लो, डर के मारे नहीं खा रहे हैं, लो। अरे लो भाई, तुम्हारे लिए ही लाए हैं। ये सब जितना बंदर आप लोग देख रहे हैं, इसमें अधिकतर बंदर बाहर से आए हैं। ये कुछ दिन पहले ये सब कोई बंदर नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी हाल ही में इन बंदरों को बाहर के लोग छोड़ दिए हैं यहाँ पे ले आके।
चला जाएगा, अभी चला जाएगा। आई 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 इसी वजह से ये जो है ना, इसके वजह से और कोई बंदर नहीं ले पा रहा है खाने के लिए। अगर आप लोग की तरफ भी इस तरह से कोई बेजुबान जानवर दिख जाए तो आपकी जितनी ही शक्ति है, थोड़ी ही शक्ति है, उसी अनुसार आप उन बंदरों को भी कुछ ना कुछ या कोई भी बेजुबानों को खिला दिया करें, है ना, पुण्य ही मिलेगा। हम करीब 5 मिनट से यही देख रहे हैं, इसके वजह से क्या है कि बहुत सारी जो बंदरियां हैं, देखिए यहाँ पे ये अपने बच्चे को ले रखी है, ये जा नहीं रहे वहाँ पे खाने के लिए, बहुत ढीठ है। अगर इसकी यही हरकत रही तो इसको पकड़ के एक दिन बनारस के चौराहे पे ले जाके छोड़ देंगे। ओए उसको थोड़ा भगाइए, गलती को दलाओ है ना, हमने बिगले रहते तई बचनियो को नहीं मिली। एक जगह दे दलाबू, ये कही खाई सरवा जले होती ना तले खाए ना दी, देखो बच्चे बच्चे झोला कर ये वाला है ना, देखो करे डोले आई कोले जाना ना जे। तो उसको भगाना ही पड़ेगा चाचा, कर 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 भगा रे रे चल चल भाग, बेटी का चोरी वक्त लग सकता है। चाचा देखिएगा आराम से, आपको काटे उठे ना, ठीक है, आराम से। हाँ हाँ अच्छा, अगली बार से अलग अलग डाल देंगे। अगर इसकी यही हरकत रही ना तो एक दिन आ करके इसको पकड़ के और ले जाके बनारस के चौराहे पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। अच्छा खातो बना काटे हो, इसको इसको अलग जगह पे भेजा जाएगा। ओए तेरा तेरा अच्छा इलाज हो जाएगा, ये जहां लिए नहीं लगी या कि तारा के मारम चैट चैट के। हम ना इच्छा कर खियावल जा तराई से त जा हो बहो करा लगी तार मुंह ने खबा जा, वो जा तारा के। जब से हम लोग यहाँ पे इन लोगों को ये सब खाने को दिए हैं, वहाँ पे जो बंदर आप लोग देख रहे हैं ना ये वाला, इसके वजह से ही बहुत सारे बंदर बहुत दूर दूर पे हैं, बंदर और बंदरिया छोटे बच्चे बहुत दूर दूर पे हैं, देखिए डर के मारे ये यहाँ पे है खतरनाक ये वाला ना। ओकरा लगे ना जइया, उ ना काटी ओकरा के मरबन तो भाग जाई। अच्छा आ ई साला काटी, एक ही दो लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम है। उजले हट न जाई तले कोने जने के बेवते नहीं खे जाई, इसको चिन्हित करके यहां से निकाल लिया जाए, इसको इसको और इसको इसको निकाल लिया जाए। तकनी से बहुत सतर्क रहे के पर हम बचवा को फंस गई रहे। अच्छा जी, उसमें छोटा की हां और वो भीतर है लोहे की जाली में। हाँ निकले ना, आई सब सब यही ना घेरा डाल देले रहले सब, केहू आवे तो पड़ जा सब काटे। अच्छा अब भाग चल जा, अब अहिले गांव से 5-10 आदमी एकनी के पूरा लाठी डंडा लेके आ तकनी के भगा के। हाँ आ तब खोलल गई तो माने बचवा निकल गई तब ही अस्थिर भ जा सब। हाँ ये वाला खराब है चाचा, ये वाला। हाँ ये वाला जो है ना मोटा वाला, इसी के वजह से देखिए सबको खाने को। जन बैठल बा तमन उनका के झपटेला, देखो काल परिन ते चोई दे बागी अब हट गेल बा ये वाला ना। हां ये सबसे यही दो खराब है इसमें। ओ देखो देखो अगर के काटी बचवन के कहते तनी के भागो से नहीं जैसे। ओ हां तनी के चाहते के फेर ये वाला। हां भाई अच्छा छोटा बच्चों को नहीं छोड़ रहा। देखो
कनी में गेंग बा बमिया चार गो भिरली सो आ किन का भगवली सो तू देखन त कहो कुदल भी है बहुत बदमाश बा बहुत बदमाश अगरी के भगाई वो पहले देखाए पड़ावती है नी आई खिसिया जे से तो तीन गो चार गो मिल के काटे लगे है सो देखो भगाई के फेर में बा सो भाग जा शांत रह शांत गर्मी तेरा भइल बा ले आई लठिया अब नहीं ना दे बहुत अद्भुत दुनिया है खतरा ये चाचा नहाने के लिए आए थे यहीं पे ये जो पानी वाला जो जगह है सोचे कि नहा ले लेकिन इन बंदरों की वजह से ही सोच रहे हैं कि अगर नहाएंगे तो कहीं ना कहीं काट लेंगे ना चाचा कहीं से बहुत भय दो बाबू याइलो देवता बस सब भोइलो देवता हम कह के कटले सब छोटी है ना देख आई जा की करवाई से गांव गांव नाउ तो देता नहीं सा आबाई से तो गांव गांव करता ठीक है अब ये ऊपर से बोल रहा है कि भैया हमको कुछ खाने को दो कुछ न कुछ मांग रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि कुछ खाने को मिले अरे बाबू हम क्या करें हम समझे ही नहीं हम सोचे कि एक जगह पे डाल देंगे तो आप लोग खा लोगे है ना चलो अगली बार से आएंगे तो आप लोग को खाने को मिलेगा लड़ाई हुई बड़ी घंजू लड़ाई होगी हाँ लड़ाई अकेली तो हुई अभी अब गर्म बता जब तीन गो मिल गया तो तीन गो क्या काटे लोग हैं तो यहाँ यहाँ इसको पता है चलिए अगली बार से आएंगे तो इनको जगह जगह पे खाने को हम देंगे बहुत बदमाश है चाचा ना खाई अगर मैं चोदो ना कर ये खाई अगली बार से जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो इनको जगह जगह पे विभाजित करके खाने को रखते हैं। ये लोग के हाथ में कुछ गुब्बा आ जाए तो रखे चाव चाव कर तरह से देख लो जाइए लो अभी कटाए काटी काटी नहीं तो अगली बार से खाने को मिलेगा आपको नमस्कार सच्चा